मेरे भाई लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एंड यार सबकी रैंक पुश बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। अब यार अब जो सीजन एंड होने में ना सिर्फ 6 ही दिन बचे। एंड जिस बंदे ने यार अभी तक कॉन्करर नहीं किया, अभी भी आपके पास यार लगभग 5-6 दिन का मौका है। अभी भी आप यार कॉन्करर कर सकते हो। एंड अगर आप अभी भी मतलब क्राउन वगैरह में ना, तो अभी यहाँ पे एस करने का ट्राई करो, ताकि यार आपको ना अगले सीजन थोड़ा सा मतलब 100 या 200 पॉइंट्स का बेनिफिट मिले, जिससे कि आपको यार जल्दी से जल्दी कॉन्करर मिल जाएगा। एंड अभी के लिए यार अपने इस वाले गेम की बात करें ना, तो यहाँ पे अपनी बेसिक लूट कंप्लीट करने के बाद ना, अब मैं ये वाले कंपाउंड से तो लूट चुका था, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बग्गी उठा लेता हूँ एक, एंड सीधा यहाँ पे ना ये वाली शॉप की तरफ आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ना लेफ्ट साइड से मुझे यहाँ पे गन साउंड आ जाता है। अब यार जैसे मैं ये वाली शॉप की तरफ आया ना, तो तभी यहाँ पे एक थॉमसन से एक बंदे ने ना दूसरे बंदे को यहाँ पे भर दिया था। अब देखो जब भी कहीं भी ओपन में किसी बंदे को भरो ना, तो पहले वहाँ पे यार स्मोक वगैरह कर लो, ताकि कोई भी बंदा यार आपको वहाँ पे थर्ड पार्टी ना कर सके। एंड उसके तुरंत बाद इस वाले बंदे को लूट आउट करने के बाद ना मैं सीधा ये वाले कंपाउंड पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद ना अब यहाँ पे यार एक यूएच का साउंड आता है। अब ये यूएस वाला बंदा गलती ये करता है कि ये वाला बंदा यार बिल्कुल ही अंधा ये वाले घर पे सीधा स्लैम इन करने की ट्राई कर देता है, जो कि यार इसकी मतलब बिल्कुल ही बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा अगर ये वाला बंदा यहाँ पे डोमिनेटर वगैरह पे रहा होगा ना, मतलब एस मास्टर वगैरह पे रहा होगा ना, तो इसको यार पक्का कुछ ना कुछ माइनस तो पड़ा होगा। एंड इसका जो सर्वाइवल होगा ना वो लगभग यार वेस्ट हो चुका होगा। तो इसलिए यार कोशिश किया करो कि किसी भी कंपाउंड में ना बिल्कुल भी अंधा स्लैम मत करो। एंड उसके बाद जो जोन था वो यहाँ पे उस वाले कंपाउंड में आ चुका था, तो थोड़ा सा मैं और आगे जोन के अंदर आ चुका था। तो ये पोचिंग की वाला चर्च अभी के लिए यहाँ पे जोन के अंदर था। एंड सामने की तरफ जो स्क्वाड हाउस था ना, इधर यहाँ पे यार एक बंदे ने अभी दूसरे बंदे को भरा था, तो इस वाले बंदे से मैं यहाँ पे मतलब इस वाले बंदे पे मेरा बिल्कुल भी एंगल नहीं था, तो मैं यहाँ पे यार थोड़ी देर और होल्ड करता हूँ। तो तभी यहाँ पे यार अभी यार थोड़ी देर और जैसे मैं यहाँ पे होल्ड कर ही रहा था ना, तो ये शायद से वही स्क्वाड हाउस वाला बंदा था जो अपने यार सीधा यहाँ पे पुश करने की गलती कर देता है। अब इसकी गलती का यार इसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। एंड अभी ग्लेस वाले बंदे को भरने के बाद ना मैं फटाफट इस वाले बंदे को लूट कर लेता हूँ। एंड इसको फटाफट लूटने के बाद ना, अभी मैं भी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लूटने के बाद ना वापस अपनी जगह पे निकल लेता हूँ। एंड इसके बाद जो चौथा सर्कल था ना, वो भी यार कुछ ही देर में सिरिंक होने वाला था। एंड इसी सर्कल में मेरे को एक अच्छी खासी पोजिशन लेनी थी, क्योंकि वहीं से यार मेरे को अच्छे खासे फिनिशेस भी मिल सकते थे। तो अब बारी थी यार यहाँ से रोटेशन डालने की। एंड जो जोन था वो भी कुछ ही देर में बनने वाला था। और गाइज अब देखो यहाँ पे जो जोन था वो बन चुका था, एंड मैं यहाँ पे बिल्कुल ही रोटेशन डाल रहा था। तो यहाँ पे अभी के लिए जो ज़्यादातर कंपाउंड्स मतलब जो भी जोन के अंदर घर वगैरह होंगे ना, वो अभी के लिए ज़्यादातर खाली होंगे। एंड अभी के लिए यहाँ पे टोटल ना 15 बंदे अलाइव थे, तो मैं यहाँ पे सीधा ये वाली जगह की तरफ आ जाता हूँ। तो मुझे राइट वाला घर ना यहाँ पे अभी के लिए खाली दिख गया था, तो मैं सोचता हूँ अभी के लिए ये वाले घर पे होल्ड करते हैं। क्या पता अगर इस साइड को हार्ड शिफ्ट आ गया ना, तो यहाँ पे अपने को काफ़ी सारे फिनिशेज मिलने के चांसेस बढ़ सकते थे। तो मैं जैसे ये वाले घर पर आता ना, तो यहाँ पर अभी के लिए मुझे आता है यहाँ पर एक और डासिया का साउंड। अब देखो यहाँ पे ये वाला बंदा भी वही गलती करता है, एंड ये बंदा भी यहाँ पे बिल्कुल ही अंधा स्लैम कर देता है। तो तभी यहाँ पे यार एक और बग्गी वाला बंदा यहाँ पे रोटेशन डाल रहा था, तो इस वाले बंदे को मैंने यार एक हेड तो चिपकाई दी थी। एंड उसके बाद ये वाला बंदा भी यहाँ से भाग जाता। अब देखो बंदे गलती क्या करते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल ही किसी भी कंपाउंड में अंदर स्लैम देते हैं, एंड दूसरा यहाँ पे जोन बन जाता ना, उसके बाद यहाँ पे रोटेशन डालते हैं, जिससे कि जो बंदे होते ना काफ़ी सारे पहली पोजिशन होल्ड कर लेते हैं, जिससे कि आप अगर वाले कंपाउंड के आस पास से भी रोटेशन दोगे ना, तो वो आपको अगर उनका स्प्रे अच्छा हुआ ना, तो आपको गिरा सकते हैं। एंड यहाँ पे लिए अभी मुझे भी यार जोन के अंदर निकलना था, तो मुझे रास्ते में यहाँ पे एक ड्रॉप पड़ा हुआ दिख गया था, तो इसको भी अभी फटाफट लूट कर लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे जोन के अंदर निकलते हैं। एंड अभी के लिए यहाँ पे जोन के अंदर ना तो यहाँ पे कोई ज़्यादा कंपाउंड थे, तो अभी के लिए जो जोन था ना वो लगभग यार पूरा का पूरा ओपन का बना हुआ था। तो मैं सीधा ये वाले बूस पे आ जाता हूँ। अभी के लिए मैं यहीं पर ये वाले बूस पे ही होल्ड करूँगा। तो यार यहाँ पे ना मैं काफ़ी देर ये वाले बूस पे होल्ड करता हूँ, तो तभी यहाँ पे एक बग्गी वाला बंदा यार रोटेशन देगा ना मेरे सामने वाले बूस पे आके होल्ड कर लेता है।
अब ये बंदा यार यहाँ पे जोन के बाहर था, तो अभी के लिए ये वाले बंदे पे ना एक डिसएडवांटेज था कि ये बंदा यहाँ पे जोन के बाहर था, तो मैं बिल्कुल ही ओपन में था। तो पहले तो मैं अपने पीछे की तरफ एक स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं यार कब कौन बंदा यार पीछे जाके धप्पा कर दे, इसलिए जितना हो सके ना यहाँ पे स्मोक खेला करो जब आपके पास कोई हार्ड कवर ना हो। तो अभी के लिए यहाँ पे मैंने दो तीन स्मोक फैला दिए थे, एंड अभी ये वाले बंदे को यार यहाँ पे जोन के अंदर आना था। अब शायद से इस वाले बंदे की बग्गी के टायर वायर शायद से यहाँ पे कुछ फूट चुके थे, जिसकी वजह से यार ये वाला बंदा यहाँ पे अभी के लिए वहीं पे होल्ड कर रहा था, एंड यहाँ पे अपने पे नेड वेड किया जा रहा था। तो अब मैं भी इस वाले बंदे पे यहाँ पे नेड्स वगैरह कर रहा था, एंड इसके बाद देखो अब यार जैसे कि मैं बात कर रहा था ना कि शायद से इस वाले बंदे के यहाँ पे गाड़ी वाड़ी के टायर फूट चुके थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड ये वाला बंदा सीधे अपने ऊपर स्लैम करने की गलती कर देता है, एंड इसको भी यहाँ पे भी लॉबी पहुँचाने के बाद ना अब जो अगला जोन था ना वो भी यहाँ पे अपने से दूर शिफ्ट हो गया था। तो मैं सीधा जोन के अंदर जैसी रोटेशन डालता हूँ ना, तो मुझे ये राइट वाली जगह यहाँ पे अभी खाली दिख गई थी, एंड यहाँ पे अच्छे खासे कवर भी थे, मतलब यहाँ पे पत्थर वत्थर एंड थोड़ा सा रिच का कवर था। तो मैं यहाँ पे स्काउट कर लेता हूँ कि कोई बंदा यार यहाँ पे सांप ना बनाओ। तो यहाँ पे देखो अभी अब यार मुझे जैसे मैं यहाँ पर रोटेशन डाल रहा था ना, तो मुझे थोड़ा सा ही वाला बंदा स्पॉट हो गया था, बट यहाँ पे मुझे लगा कोई भी बंदा नहीं है, एंड तभी मुझे ये वाला बंदा यहाँ पे स्पॉट हो जाता है। एंड इस वाले बंदे को भी यहाँ पे अपन आसानी से भर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने इस वाले बंदे को भरा ना, तो लेफ्ट साइड से यार मुझे यहाँ पे एक स्प्रे आता है, तो मैं यहाँ पे यार 50 HP हो चुका था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्मोकर के फटाफट हील कर लेता हूँ, एंड इसके बाद अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ दो और बंदे अलाइव थे, जिनमें कि अभी के लिए जो एक बंदा था ना वो लेफ्ट साइड में कहीं था, क्योंकि जो मैंने लेफ्ट साइड में बंदा भरा ना वो अभी किसी बंदे को और को फायर दे रहा था। तो तभी मैंने इस वाले बंदे को यहाँ पे भर दिया, एंड जो तीसरा बंदा था ना वो शायद से यार कंपाउंड्स के अंदर था, जो कि मतलब जो एकमात्र कंपाउंड को थोड़ा सा हिस्सा जोन के अंदर था ना, जो आखिरी बंदा था यार वो उसी साइड कहीं था, एंड जो तीसरा बंदा था ना वो अभी के लिए मुझे लेफ्ट की तरफ स्पॉट हो गया था। तो अभी के लिए जो फाइट थी ना वो 1v2 मतलब 1v1v1 की थी। तो अभी के लिए जो लेफ्ट वाला बंदा था ना ये बिल्कुल ही जोन के बाहर था, एंड मुझे भी यहाँ पे अभी जोन के अंदर जाना था। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे यार बिल्कुल ही एक ओपन जगह में था, एंड जो बंदा था ना वो यहाँ पे कंपाउंड के अंदर था। तो पहले तो मैं सामने की तरफ एक स्मोक फेंक देता हूँ, ताकि जो बंदा है ना वो अपने को यार रोटेशन में बिल्कुल ही अंदर स्प्रे ना दे। अब जो लेफ्ट वाला बंदा था ना उस पर यहाँ पे अभी के लिए मुझे कोई भी व्हीकल नहीं दिख रहा था। तो अभी इस वाले बंदे को भी यार यहाँ पे पैदल आना था, तो अभी के लिए मुझे तो यहाँ पे जोन के अंदर आना था। तो मैं फटाफट ये वाली बग्गी उठा के ना सीधा जोन के अंदर स्लैम कर देता हूँ। अब यार जैसे मैं यहाँ पे जोन के अंदर स्लैमिंग करता हूँ ना, तो जो लेफ्ट वाला जोन के बाहर बंदा था ना वो यहाँ पे जोन के अंदर आने का ट्राई करता है, एंड इस वाले बंदे को जैसे मैं भरता हूँ ना, तो जो कंपाउंड वाला बंदा था वो यहाँ पे यार एक नेट करके अपने को भी भर देता है, एंड इस वाले गेम से मेरे को 10k ठीक ठाक प्लस मिल जाता है। एंड बाकी यही था आज का गेम प्ले, एंड अगर यार आपको गेम प्ले पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं आपको इसी किसी इंटेंस गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।